पसमानदा मुसलमानों को लेकर के बीजेपी की कवायद, तो वहीं यूसीसी का प्रारूप बनने की तैयारी, इन सबके बीच में क्या कुछ कहा जा रहा है। हमारे साथ में मौलाना यासूब अब्बास साहब है, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या पसमानदाओं को लेकर के वाकई में सरकारों ने काम किया, बीजेपी सरकार का माना है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, कैसे देखते हैं? देखिए पसमानदा को लेकर हमें नहीं समझ में आ गया कि अभी कोई काम हुआ है। पसमानदा को अपलिफ्टमेंट की बात तो हो रही है, नारा तो दिया जा रहा है, पसमानदा समाज को मुख्यधारा में जोड़ने की बात तो हो रही है, मगर अभी बताहिर उसके ऊपर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए इसलिए कि तबका कोई भी हो मुसलमानों में, सवाल यह है कि सबके लिए काम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम पसमानदा को ऊपर उठाने की बात करें और जो दूसरे तबके हैं वो नीचे आ जाएँ। लिहाजा इसको असर नो, हमें इसको पर गौर करना चाहिए कि हम एक को ऊपर उठाने में दूसरे को नीचे तो नहीं गिरा रहे। कहा जाता है कि इनकी तादाद सबसे ज्यादा है, जो मुसलमान छूट गया उसे पसमानदा कहते हैं, आप समझते हैं क्योंकि आप मौलाना, आपको लगता है कि वाकई में ऐसा एक दायरा है, एक ऐसी पूरी समाज है जो इन तमाम विकास और तमाम मुद्दों से छूटी हुई है? देखिए बहुत मुसलमानों में बहुत से ऐसे तबके के लोग हैं जो मुख्यधारा से छूटे हैं, उनको भी उनका दूसरे खा रहे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अगर तुम किसी को भूखा देखो तो यकीन मानो कि इनके हिस्से की रोटी दूसरा खा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बराबर सरिस्ताल किया है। तो बहरहाल ये सरकारों को देखना चाहिए कि जो पसमानदा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और कोई अपलिफ्टमेंट कर रहा है ऊपर उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी दूसरे का खा रहा है जिससे वो पसमानदा होता चला जा रहा है और वो ऊपर चलता चला जा रहा है। लिहाजा इसके लिए सरकारों का सरनौ गौर करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इस बार के लिए काम हुआ है या राजनीति ज़्यादा हो रही है? अभी बताया कोई काम नहीं हुआ, अभी सिर्फ बातचीत हो रही है, क्योंकि काम होता तो काम फील्ड में दिखाई देता, अभी काम कोई नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत हो रही है। क्या राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी है बीजेपी ने, निकाय चुनाव में प्रत्याशी लड़ाए थे, आपको लग रहा है राजनीतिक तौर पर भी सक्रियता बढ़ रही है कि नहीं? देखिए हर चीज़ ज़ाहिर बात है, जब सरकार आएगी तो सरकार तो राजनीति देखती है और वोट का फायदा देती है। कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो वो देखती है कि इसके लिए हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। तो इस वक्त पसमानदा तबके को उठाना कम और राजनीति ज़्यादा लग रही है, मुद्दा गर्म है, राजनीति ज़्यादा नज़र आती है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों बातों को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं और कहीं ना कहीं उसकी झलक भी सियासत में दिख रही है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, आज तक।